तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। जुलेखा तुम ठीक हो? जी साईं। तुझे मैंने कहा था ना, अगर तूने मेरी मर्जी के बगैर मुझे अपने डेरे पे बुलवाया तो अपना अंजाम अपनी आंखों से देखेगा। कहा था ना मैंने। बाबा गजनवी हो गया अभी, माफ करो। औरत की इज्जत पे हाथ डालने वाले को गजनवी कभी माफ नहीं करता। आइंदा तू किसी औरत की इज्जत पे हाथ ना डाले, उसके लिए तेरे हाथों का मफलूज होना जरूरी है। चलो। यहाँ कहाँ जा रही हो? आखिरी क्लास नहीं लेनी क्या? ओफो, मेरा कोई मूड नहीं हो रहा। और प्लीज तुम भी चुप करके ना बैठ जाओ यहाँ पर। वैसे भी आज तुम्हारी वजह से 3 क्लासेस ले चुकी हूँ मैं। तो इतने अरसे बाद तो हमने क्लासेस ली हैं, वरना तो बस यहाँ पे आके गप्पे मार के ही घर चले जाते हैं। हाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए कौन आता है, और हम जैसे स्कूल और कॉलेज के सताए हुए लोग यूनिवर्सिटी वो बस एंजॉय करने आते हैं। किसी दिन अटेंडेंस रजिस्टर जब घर पहुँच जाएगा ना तो पता चलेगा। अब्बा तो इतना डांटेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से उठाने में मुझे 1 मिनट ना लगाए। घर से निकलते वक्त ना किसी दिन तुम अपने अब्बू को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, प्लीज। नहीं भूल सकती, और अगर भूलने की कोशिश करूं भी ना तो घर में दाखिल होते ही अब्बा की चीख धार सुन के सब कुछ याद आ जाता। बताया तो था कल ही रेडियो का नुकसान उठाना पड़ा है। छोड़ो ये सारी बातें, ये देखो क्या डांस किया है बंदी ने। ये कौन है? दोस्त है मेरी। तुम्हारी दोस्त इतनी अमीर है? हाँ, पहले ये हमारे इलाके में रहती थी, फिर बाद में बाप और भाई की बाहर की कमाई आने लगी और इन लोगों ने इलाका चेंज कर लिया। अब कल इसके भाई की शादी है। कितनी प्यारी है ये, है ना? हाँ, और इसका ड्रेस तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी इतनी अमीर दोस्त है। ऐसे फंक्शन में जाना मेरा तो ख्वाब ही है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकती हूँ मैं। कैसे? कल शादी है ना, चलो मेरे साथ। मैं कैसे जा सकती हूँ, घर पे क्या कहूंगी? घर पे बताने की जरूरत ही क्या है, बस तुम यूनिवर्सिटी का बोल देना और फिर मेरे घर आ जाना, और वहाँ से तैयार होके हम लोग चले जाएंगे। अरे भाई, दिन की शादी है ना, हम तो वैसे भी शाम से पहले ही फ्री हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो ऐसे फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। कपड़ों की फिक्र मत करो, तुम बहुत है, बस तुम डन करो, चलते हैं साथ, बहुत मजा आएगा। क्या सोचने लग गई? लो तुम भी लगाओ। घर वालों की रोक टोक पर के अपना दिल मार ले हम। ओफो भाई, लगा लो ना,
घर जाते हुए रास्ते में साफ कर लेना यार। अब घर वालों को हमारा तैयार होना नहीं पसंद तो क्या करें? हाँ लो लगा लो, ये लो लगा लो। कह तो तुम ठीक रही हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वापस चलें? बुआ चुप करके साथ खड़ी रहो प्लीज। मैं ओवर तो नहीं लग रही ना? तुमने मुझे बहुत सारा मेकअप कर दिया आज। बिला वजह कंफ्यूज हो रही हो तुम, बहुत प्यारी लग रही हो, क्या हो गया? ट्रस्ट मी। हाय, शुक्र है तुम आ गई। कैसे रहा थी? कल जो तुमने मुझे वीडियो बनाकर भेजी थी ना, उसके बाद तो मैंने तय कर लिया था कि आज तो मैं तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देखूंगी। श्योर। अब ये दुआ है मेरी क्लासमेट। हाय हाय। अच्छा यार जल्दी करो, परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। जल्दी आओ, जल्दी चलो चलो। ये तो वीडियो से भी बहुत ज्यादा प्यारी है। सारा पैसे का कमाल है। चलो अखियों से छेड़े दिल दिया तारा, मेरे कानों में है बजने लगी गिटार। यहाँ खड़े होकर थरकने से बेहतर है कि स्टेज पर चली जाओ। पागल हो? ओफो, क्या होता है, सिर्फ घर वाले ही तो हैं, कुछ नहीं होता। चलो। बिल्कुल नहीं, उससे नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ना ही तो कोई कोरियोग्राफर है और ना ही कोई एक्सपर्ट जो तुम्हें जज करेगा। चलो। नहीं नहीं प्लीज नहीं, नहीं। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, आ जाओ।
चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई है। अगर घर में एक्स्ट्रा क्लास का भी कहा ना तो भी बहुत डांट पड़ेगी। कोई देर नहीं हुई है, चले जाएंगे घर। इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने तुम्हारे घर जाना है, चेंज भी करना है। ओफो, सब कुछ हो जाएगा। तुम ये बताओ, तुमने एंजॉय किया ना? रोज इतनी देर से वापसी क्यों होती है तेरी? अब नहीं तो तुझसे बात की मैंने? क्यों करा? बोल। वो आज एक्स्ट्रा क्लास थी ना, तो इसलिए देर हो गई। झुमके कहाँ से आए? कहाँ से आए झुमके? वो रिदा के है ना, उसने मुझे ट्राई करने के लिए दिए थे, मैं उतारना भूल गई। देख रही है फहमीदा बेगम, तेरी बेटी यूनिवर्सिटी नहीं जाती, फैशन शो में जाती है। उतारना भूल गई, सॉरी, कल वापस कर दूंगी। सॉरी। हाँ फहमीदा, औलाद नरीना तो ना दे सकी तू मुझे, मगर ये नादान औलाद दे दी तूने मुझे, संभाल इसे। इतने अरसे के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, अच्छा लगा। आप कहें तो उस लड़की के बारे में पता करूं। I'm sorry। अभी नहीं जाफर, अभी मुझे परखने दो क्या वो वाकई अच्छी लड़की है या फिर मुझे ही अच्छी लगेगी। बेहतर सही। मरवा देना था, अपना से बच निकली तो अम्मा ने इतनी साड़ पिलाई कि क्या बता। फोटोकॉपी के चक्कर में देर ना हो गया? नहीं होती देर, मैं तो जरा सी बात मिल जाए ना बस परेशान हो जाती हो। अब बताओ नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो? हाँ तो फिर खामोश होके खड़ी रहो। भाई ये एक इसकी ना पूरी कॉपी बना दें। ओके मैम, लेकिन मशीन खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं ना, हो जाएगा ना। बना दे आप। हाय हाय, तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में? वो एक्चुअली मैं रोज से मिलने आया था, तुम्हें देखा तो यहाँ चला आया। तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नहीं है, बताया था ना तुम्हें, वो जिससे नया नया अफेयर शुरू हुआ है वहाँ। हमारे तो पता नहीं कितने अफेयर चलते हैं और खत्म हो जाते हैं, अब किस किस को याद रखूं? ये मेरा दोस्त है फराज। हेलो हेलो फराज,
यार बता ही देता कि यहाँ डेट के लिए आ रहा है तू। टू एंड रफ एंड टफ बहुत हैंडसम लगता है, टेंशन में। हम कहीं चल के बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मगर क्यों क्यों नहीं जाओगी? अभी तो बहुत टाइम है ना उसको बनने में। हाँ कोई बात नहीं, यही रुकते हैं ना, मैं यही खड़ी रहूंगी। तुम अकेली यहाँ पे खड़ी रहोगी? अरे ये अकेली कहाँ, ये फराज है ना, जब तक ये कॉपी भी हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे। हाँ गुड आइडिया, ओके तुम्हें कंपनी देते हैं, हम आते हैं। रिद्धा 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 काफी करीबी दोस्त है आप। जी बहुत। मेरा ख्याल है आप भी मेरी तरह बेखबरी में मारी गई हैं। शायद। भाई कितनी देर लगेगी? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए ना, हम बैठ के इंतजार कर लेते हैं। आ जाए? नहीं आपको जाके बैठना, बैठना मैं यही ठीक हूँ। अरे वो खुद ही तो कह रहा है कि इतना टाइम लगेगा, तो चलते कहीं बैठ जाते हैं। मैं घर चली जाती हूँ। आप ना जब ये हो जाए तो आप ये नोट्स लेकर रिदा को दे दीजिएगा, मैं कल उससे खुद ले लूंगी। देखिए मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। और फहद जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह, और रिदा की वजह से आप जो हैं मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। आप घबराएं मत। मैं घबरा नहीं रही, बस घर जाना चाहती हूँ। कितना अजीब लगेगा कि उनके आने से पहले आप यहाँ से चली जाएंगी, तो वो सोचेंगे कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया। देखिए मैं वाकई बहुत शरीफ इंसान हूँ, आप आइए ना, बैठ के इंतजार करते हैं ना उनका। आइए। थैंक यू। दीजिए ना। वैसे तो रिदा का अक्सर जिक्र होता रहता है, लेकिन कभी फहद ने यह नहीं बताया कि रिदा की इतनी प्यारी दोस्त भी है। पता आज मैं आ नहीं रहा था यहाँ पे, वो तो फहद ने इसरार किया, लेकिन अगर ना आता ना तो अफसोस बहुत होता। किस बात का अफसोस? इसी बात का कि आपको देखा नहीं, आपसे मिला नहीं। मुझे देर हो रही है, मैं चल। अरे I'm so sorry, वो बेध्यानी में हुआ। मैं चलती हूँ। अरे बात तो सुने। क्या है ये? खुद ही देख लो। थैंक यू। घर जाके देख। चलो। अरे I'm so sorry, बिल्कुल बेध्यानी में हुआ। रिता प्लीज सर। अच्छा वो नोट्स तो ले लेते हैं, बाद में ले लेंगे। चलो। अच्छा ओके बाय। हुआ क्या है तुम इस तरह से? मतलब भाई क्या कह दिया उसे, वो तो रुके नहीं रही। मैंने क्या कहना था, अब चलना भी है या नजरों से इसे घर छोड़कर आना है? काश छोड़कर आ सकता, अब तक काफी अच्छी लग गई है। यही समझ चले आ जाए। हम सब भाई आपकी बात मानते हैं, समझाएं, इस ताल्लुक को खत्म करें, पीछे छुड़ाएं सोनिया से। क्या चाहती हो तुम? मरवा दूं उसे? मरवा दूं उसे? अम्मा अगर आपने हमजा को कुछ भी किया ना तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रही। तेरे बिना क्या जीऊं, क्या है दिशा मेरा? मेरी उम्र भी हमजा को लग जा, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां हमजा को मिल जा। सोनिया मत रो, मुझे कुछ नहीं। अभी भी उसी का नाम ले रहे जिसकी वजह से ये हालत हुई। कितनी बार कहा है कि घर में सलाम करते हुए दाखिल होते हैं? सॉरी अस्सलाम वालेकुम, जहन से निकल गया मेरे। जहन से कैसे निकल गया भाई, ये कोई बात है जहन से निकलने वाली? और कहाँ थे सारा दिन? अम्मी मैं बाहर था अपने दोस्त के साथ, फहद नहीं उसके साथ।
कुछ खाया भी है या सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर रहे थे? मैंने खा लिया है, मैं बस कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। सुंबल से कहिएगा मुझे डिस्टर्ब मत करें। मगरिब की अजान होने वाली है, ये कौन सा वक्त है आराम करने का? मैं आराम कर रहा हूँ ना, मैं बस आप मुझे छोड़ दें। तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। I'm so sorry, वो बेध्यानी में हुआ। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रही हैं। और रिदा की वजह से आप जो हैं मेरे लिए काबिले इज्जत हैं। वैसे तो रिदा का अक्सर जिक्र होता रहता है, लेकिन कभी फहद ने ये नहीं बताया कि रिदा की इतनी प्यारी दोस्त थी। पता है आज मैं आ नहीं रहा था यहाँ पे, अगर ना आता ना तो अफसोस बहुत होता मुझे। आपको देखा नहीं, आपसे मिला नहीं। हाँ भाई बोल। सुन तुझसे काम है। क्या? वो रेता की दोस्त है ना दुआ, उसका नंबर चाहिए। अरे तो नंबर अभी पता नहीं कहाँ से लाके दूँ यार। अब तो बात समझ ही सकता है। अच्छा दो मिनट दे दे, मैं रेता से बात करूँ, मैं तुझे व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दुआ। सड़क पे निकली हुई लड़की को अपनी बाकी प्रॉपर्टी समझते हो? जो उनको छेड़ना और हाथ लगाना तुम्हारा फर्ज हो जाता है। और तुम जब घर से बाहर निकलती हो तो हिम्मत और हौसले को पकड़ के निकला करो। अब शक्ल क्या देख रहे हो? हटो, जा तो ये मारूं। जा रहे हो? ठीक हो तुम? अरे कहाँ रह गई ये लड़की, इतनी देर लगा दी। सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मा वो बस स्टॉप के ऊपर ना एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। ऐसा सबक सिखा के आई हूँ ना कि याद रखेगा। मत पड़ा करो दूसरों के झगड़े में, हर वक्त का भी ख्याल रखा करो। अपने बाप के मिजाज का तो पता है ना तुम्हें। मैंने कोई जान के थोड़ी किया। आइंदा ख्याल रखना। अब कहीं जा रही है? और ये फिजा और सानिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो बख्शी साहब है ना, उनके नवासे की सालगिरह है, वो दोनों वहाँ गई हैं। मैं भी बस जा ही रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब अगर तुम चलो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, वहाँ जाके मैंने क्या करना है? वही बासी चिप्स होंगे या फिर ठंडे आलू के समोसे हैं, मैंने नहीं जाना अंदर। अच्छा सुनो, अगर कपड़े चेंज करके ना खाना खा लेना, तुम्हारे लिए ढक के रख दिया है और आज तुम्हारी पसंद की चिकन बनाई है मैंने।
अच्छा, और दरवाजा बंद कर देना, सिर्फ अपने अब्बा के आने पे खोलना, वैसे बचता भी रहे ना तो मत खोलना। बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ठीक है, चल ख्याल रखना अपना, बंद कर लो दरवाजा। जी जी जी। आरिदा, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई? हाँ, फीवर है मुझे, इसीलिए शायद कल भी ना जा सकूं। देखो, अच्छा मैंने अभी जो तुम्हें कॉल किया ना, वो फराज के फोर्स करने पे किया है। जब से उसने तुम्हारी दोस्त को देखा है ना, तो वो बिल्कुल अपने हवास खो बैठा है, बार बार उसका नंबर मांग रहा है। तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, दुआ के पास फोन नहीं है। देखो, तुम्हारा पैगाम मैं उसे दे चुका हूँ, लेकिन उसे मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम खुद उससे बात कर लो, सामने खड़ा। चलो। हाँ रिदा, क्या हाल है? वो उसके पास फोन नहीं है? अगर उसके पास फोन होता तो मैं तुमसे झूठ क्यों कहती? हाँ, लेकिन कोई तरीका तो होगा कि उससे राब्ता कर सके। देखो, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी और शायद कल भी ना जा सकूं, वरना मैं अपने फोन से तुम्हारी बात करवा देती उससे। देखो रिदा, जो भी है, कोई रास्ता निकालो कि मैं उससे बात कर सकूं, प्लीज। कोई रास्ता नहीं है, उसके घर का माहौल बहुत सख्त है, इसलिए पड़ोस में जाकर भी कॉल सुनने की इजाजत नहीं है उसे। और वैसे इतना सब कुछ करने के लिए ये जानना भी तो जरूरी है ना। जैसे तुम दुआ की एक झलक देखकर उसके दीवाने हो गए हो, क्या वो भी तुम्हारी दीवानी है या बस ये आग एक तरफा ही है? यही जानने की तो बेचैनी है, और मुझे देखो उससे आज ही बात करनी है, और अगर 2-3 दिन तक मेरी बात नहीं हुई ना उससे, तो मैं अपनी जान दे दूंगा तुम्हें, फात की कसम। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कोई रास्ता नहीं है, बस उसके घर का एड्रेस है मेरे पास, अगर कहो तो दे देती हूँ। एक बार गई थी उसके घर। हाँ हाँ बताओ। थैंक यू। चलो थैंक यू, सी यू। अब हो गए तसल्ली? हाँ जी। चलो रिदा भी नहीं आई, वो आती तो उससे फराज के बारे में पूछ लेती, कोई खबर ही मिल जाती कि जिस तरह मैं उसे मुसलसल सोच रही हूँ, वो भी मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं। आ रही हूँ। कैसी हो? इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। उस दिन तुम्हें देखा था, अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे आऊँ तुमसे मिलने के लिए। मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ आके। पापा, एड्रेस पूछ रहा था मैं। पूरे मोहल्ले में यही दरवाजा दिखाई दिया तुझे, और तू चला। पता तो सही दिया करो ना यार, आ रहे आ रहे हैं। जाने यहां से। अच्छा चल 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 अंकल, जल्दी निकल भाई। मैं जा रहा हूं। पापा का यार, वो क्यों नहीं आएगा? तुझे क्या पता वो घबरा क्या रहा है यार। बैठ कर जल्दी चला। ये अजनबी लौंडों को पता बताने के लिए किसने कहा तुझे? वो अम्मा बोलकर गई थी कि आप आएंगे, आपके आने का वक्त था, मुझे लगा कि आप। तुझे लगा और तूने दरवाजा खोल दिया है ना? नहीं। ये नहीं सोचा तूने कि इस वक्त मोहल्ले की गलियां कितनी सुनसान है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी अब्बा, अंदाजा नहीं हुआ
आइंदा ध्यान रखूंगी। आइंदा ध्यान रखूंगी। क्या बात हुई? बस ये समझ के इज्जत बच गई थोड़ी सी। सब क्या हो गया दुआ? इससे क्या पूछ रही है तू? मुझसे पूछ। मैं जब गली के अंदर घुसा हूँ तो दरवाजे पे ये दो मस्टंडों के साथ अजनबी लौंडों के साथ खड़ी हुई। उनको पता बता रही है, वो पता पूछ रहे हैं, ये बता रही। दुआ? नहीं नहीं, अब्बा फौरन ही आ गए थे, मैंने तो कोई बात भी नहीं की। अरे वो तो शुक्र करो मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं, वरना पूरा मोहल्ला थू थू करता के अकरम साहब की पोती इतना दीनदार आदमी बाहर अजनबी लौंडों को पता बता रही है। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, सख्ती से मना करके गई थी ना। अम्मा कह तो रही हूँ गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगी। एक बात बताओ, ये तुम तीनों इसको अकेला छोड़कर कहाँ सैर सपाटे पे गई हुई थी? वो बख्शी साहब के नवासे की सालगिरह थी तो हम। बख्शी साहब इंतहाई खुराफात आदमी है वो, अंग्रेज और यहूदियों के रस्म मनाता है। तुझे तो समझ होनी चाहिए, ऐसी फरंगी दावतों पे तुम लोगों का जाना आज से बिल्कुल खत्म, कोई नहीं जाएगा। वो नुजरत बहन ने बहुत इसरार किया था और फिर इतनी पुरानी मोहल्लेदारी। अरे नुजरत बहन ने इसरार किया था तो चली गई, वो जहन्नुम में बुलाएगी तो चली जाना तू। आइंदा के लिए तुम लोगों को कह दिया है, कोई नहीं जाएगा इस किस्म की रसूमात पर। दुआ एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, आज के बाद अगर कोई लौंडा कोई अजनबी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तो उसको तो मैं कत्ल कर ही दूंगा, तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ आई? अच्छा मैं समझाऊंगी इसे, आप चलकर बैठे आराम करें, मैं आपके लिए पानी पी। हाँ पानी पिला मुझे, हलकान हो गया, मार देगी तेरी बेटियां मुझे। मना करके गई थी ना, फिर क्यों खोला दरवाजा? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो।